एंड वेलकम बैक अगेन। आज फिर से एक प्रेगनेंसी सीरीज़ है और आज के प्रेगनेंसी सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के बारे में। एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी चेंजेस इन थर्ड ट्राइमेस्टर, अबाउट द बेबी ग्रोथ एंड हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में आ चुके हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइम और इस टाइम में आपके बॉडी में चेंजेस तो होंगे। आपने लास्ट कुछ मंथ से अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील किए होंगे और बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, तो वो चेंजेस अभी कंटिन्यू रहेंगे। अगले कुछ महीने में भी आप और कई चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे। अब आने वाले 3 महीने में आप अब अपने बेबी को डिलीवर करेंगे और आपके घर में एक नया मेंबर आपकी लाइफ में एक नई जिम्मेदारी के साथ आएगा। सो थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है 29th वीक से लेकर 40th वीक तक, यानी कि 7th, 8th और 9th मंथ। इसके दौरान आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये जानेंगे। सबसे पहला जो चेंजेस आपके बॉडी में होगा वो है आपके पेट में हल्का दर्द होना। पेट में हल्का दर्द आपके इसलिए होगा क्योंकि अभी आपका बेबी बड़ा हो चुका है, उसका साइज़ बड़ा हो चुका है और उसको बहुत कम स्पेस मिल रहा है मूव करने के लिए पेट के अंदर। नेक्स्ट इज़ बैक एक, क्योंकि आपके बेबी का वज़न और आपका वज़न दोनों ही बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपके बैक में, हिप्स में, पेल्विस में आपके वजन का कुछ प्रेशर पड़ेगा। दैट्स वाई आप इस टाइम में डिसकंफर्ट होंगे, आपको बैक एक का प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप कोशिश करें कि ऐसी चेयर पे बैठे जहां पर आप अपने बैक को स्ट्रेट रखें। कोशिश करें कि हाई हील्स पहनना अवॉइड करें और आप अगर ज़्यादा एकिंग हो रहा है, बैक एक आपको अगर बहुत ज़्यादा है, तो आप हीटिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट इज़ ब्लीडिंग। लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में जब दिखेगा, दैट मीन्स कि अब आपका लेबर का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। अगर उस ब्लीडिंग में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग लगने लगा है, ड्रॉप्स और स्पॉट्स की जगह पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर रश करें, बिकॉज इसके पीछे दूसरा रीज़न भी हो सकता है जो आपके बॉडी में चेंजेस के साथ आएगा, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। मतलब आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे। हो सकता है कि आप सांस ले रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा हो, इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आपके साथ होगा। ये रीज़न है कि अब आपके बॉडी का वज़न और बेबी का वज़न बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको इन सभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। का भी प्रॉब्लम आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई लेडीज़ को हर्ट बर्न होता है और इसके पीछे का रीज़न भी हमने डिस्कस किया था, तो इस टाइम में भी आपका वही रीज़न है हर्ट बर्न का। आपको कोशिश करना है कि आप जो भी मील खाए वो थोड़ा थोड़ा खाए और थोड़े कम अंतराल में खाए। बहुत ज़्यादा एक साथ खाने से भी आपको हर्ट बर्न की प्रॉब्लम हो। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, आपको अब यूरिन का प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगा। जैसे जैसे आपके डिलीवरी का टाइम आएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन फील होगा, बिकॉज आपका बेबी डीपर हो चुका है पेल्विस में, जिसकी वजह से आपको अपने ब्लैडर पे प्रेशर फील होगा और आप फील करेंगे यूरिनेशन। नेक्स्ट इज स्ट्रेच मार्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेच मार्क्स हमारे बेबी के ग्रोथ के साथ ही आने शुरू हो जाते हैं। ये आपको 6th महीने या 5th महीने से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर आपको कुछ क्रीम्स अप्लाई करने बोलते हैं जहाँ जहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम में स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होने के चांसेस है, तो अगर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आदर कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलर रहे, इससे आप स्ट्रेच मार्क्स को थोड़ा कम। बॉडी चेंजेस के अलावा कुछ इमोशनल चेंजेस भी हमारे साथ होंगे, लाइक आपके अंदर एंजाइटी या वरिडनेस रहेगा इस चीज़ का कि आप डिलीवरी कैसे करेंगे, लेबर कैसे होगा और आप आगे कैसे मैनेज
मैनेज कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों के एंजाइटी और वरीडनेस आपको फील होगी। सिस्टम में एक और इमोशनल चेंजेस होगा, दैट इज इरिटेशंस। आप रेगुलर बेड पे जाने पर आपको डिसकंफर्ट होगा, आप प्रॉपर नींद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस टाइम में आपका बॉडी, आपका टमी बहुत ज़्यादा बिग हो चुका है। डिसकंफर्ट होंगे वाइल स्लीपिंग, और स्लीप अच्छी से नहीं हो पाएगी तो आपके मूड में भी चेंजेस होगा, आप डिसकंफर्ट फील करेंगे। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। समटाइम्स आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, समटाइम्स आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे कि आपका बेबी आने वाला है। सारे इमोशनल चेंजेस एंड बॉडी चेंजेस आप थर्ड ट्राइमेस्टर में भी फील करेंगे। नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे बेबी का डेवलपमेंट कैसा होगा? नाउ आपका बेबी अब बहुत अच्छे से ग्रो कर चुका है, अगले 3 महीने में आपका बेबी अब बर्थ लेने वाला है। आपके बेबी का सॉफ्ट बोन्स पूरी तरह से बन चुका होगा, अब वो अपनी आँखों को खोलेगा और बंद करेगा रेगुलर इंटरवल पे, अब वो प्रॉपरली स्लीप कर रहा है। आपके बेबी का मूवमेंट और किकिंग भी इंक्रीज कर जाएगा। अभी आपके बेबी के बॉडी में मिनरल्स स्टोर होने लगेंगे, लाइक कैल्शियम, लाइक आयरन, ये सभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके बेबी के बॉडी में स्टोर होने लगेंगे। अब 2 वीक्स में आपके बेबी का वजन 14 से 14.5 पाउंड हो चुका होगा, और उसका लेंथ यानी कि वो हाइट में 15 to 17 inches तक पहुंच चुका है। 6 वीक में आपके बेबी के बॉडी पर एक वैक्स कोटिंग डेवलप हो जाएगा। इस टाइम में चूंकि आपका बेबी बड़ा हो चुका है और आपका टमी उसके लिए स्मॉल पड़ रहा है, तो उसकी किकिंग थोड़ी डिक्रीज होने लगेगी। अब आपके बेबी का वजन 6 to 6.5 pound हो चुका है और उसका हाइट 16 टू 19 इंचेस तक पहुंच चुका होगा। 7th से 40th week में फुल टर्म कंसीडर किया जाता है। इस टाइम में आपका बेबी कभी भी जन्म ले सकता है। ऐसे टाइम में आपका बेबी अपने हेड को पोजीशन करेगा बर्थ प्लेस की तरफ। इन वीक्स में आपके बेबी का पूरा ऑर्गन्स अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा होगा, अब वो रेडी टू डिलीवर है, और कभी भी आपको लेबर पेन हो सकता है। टाइम तक आपके बेबी का वेट भी 6 to 9 pound पहुंच चुका है और उसका हाइट 19 से लेकर 21 inches लॉन्ग हो चुका है। टू स्टे हेल्दी ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, यस, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरह अपना ध्यान पूरी तरह से रखना है। रेगुलर आपको अपने मेडिसिंस लेने हैं जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। खुद को एक्टिव रखने के लिए आपको अगर डॉक्टर ने कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताए हैं तो आप उसको भी करें। लॉट्स ऑफ वाटर आप ज़रूर ड्रिंक करें, बिकॉज वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट। खान पान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप अगर हेल्दी फूड और न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं तो आपके बेबी को भी एक हेल्दी स्टार्ट मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके न्यूट्रिशियस फूड ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले, फ्रेश फ्रूट जूसेस ले, रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को फीड करते रहे। ड्यू डेट के आसपास पहुंचते ही आप डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रेगुलर बने रहे। लेबर पेन आपको कभी भी हो सकता है, तो आपको अपना अभी खुद का बहुत अच्छे से ध्यान देना करना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर में हम एंटर करते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे से रिलेटेड हर वो जानकारी हासिल करें कि बच्चे को फीड कैसे करते हैं, बच्चे को कैसे आप बात कराएंगे, बच्चे को आप कैसे प्रॉपरली होल्ड कर सकते हैं, आप बच्चे का ध्यान कैसे रखें। Get yourself educated about the child birth, बच्चे का बर्थ कैसे होगा, अगर लेबर पेन होता है कैसा लेबर पेन होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दें। कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल बैग को पैक करके रखें। हॉस्पिटल बैग में जो भी एसेंशियल बेबी के बर्थ के टाइम में ज़रूरी है वो लीजिए। आप अपने लिए जो भी सामान यूज़ करना चाहती हैं वो सभी चीज़ों को बैग में अगर इकट्ठा करके रख लेंगे तो लास्ट मोमेंट में अगर लेबर पेन अचानक से होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आप बच्चे का नर्सरी भी तैयार कर ले, बच्चे के गियर्स, बच्चे के कपड़े, इन सभी का भी अरेंजमेंट करके रख सकते। खुद को बहुत सारा रेस्ट दे, प्रॉपर स्लीप करने की कोशिश करें। अवॉइड करना है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, यस, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें उन सभी चीज़ को अवॉइड करना है जो हमने पूरी प्रेगनेंसी तक अवॉइड किया था। खास करके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। बच्चे के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होता है और आपके लेबर में भी आपको प्रॉब्लम होगा।
आप अवॉइड करें जंक फूड्स को, मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, अगर आप कोई भी इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं उसको भी अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद ही किसी भी चीज़ की मेडिसिन लें। ना हो सके हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करें, कि जो भी काम करें वो बहुत ही धीरे और आराम से। ये थे थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड वो सभी जानकारी जो कि शायद हर औरत एक्सपीरियंस करती है, मैंने भी किया है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब तक मैंने आपसे प्रेगनेंसी का पूरा जर्नी शेयर किया फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू द थर्ड ट्राइमेस्टर। होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा बाकी दोनों वीडियो की तरह। अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वैसे वीडियो भी लेके आऊँगी। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।